दोस्तों ग्लैमरस एक्ट्रेस पूनम पांडे का निधन हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि पूनम पांडे के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया गया है जिसमें लिखा गया है कि आज की सुबह हम सभी के लिए बहुत ही मुश्किल थी और हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि पूनम पांडे को सर्वाइकल कैंसर था जिसके चलते उनका आज निधन हो गया। साथ ही साथ पोस्ट में ये भी लिखा गया है कि पूनम एक प्योर सोल थी, वो लोगों से बहुत प्यार करती थी, उनके निधन से हम सभी दुखी हैं। दोस्तों अचानक पूनम पांडे के निधन ने उनके फैंस को चौंका दिया है। वहीं कुछ दिनों पहले ही उन्हें लोगों से इंटरव्यू के दौरान देखा गया था जिन्हें देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो गंभीर कैंसर से जूझ रही हैं। दरअसल पोस्ट के अनुसार पूनम पांडे की सर्वाइकल कैंसर होने से उनकी डेथ हुई और कोइंसिडेंस देखिए कि कल ही लोकसभा में बजट में महिलाओं के लिए सर्वाइकल कैंसर को लेकर एक बिल पास हुआ और कल ही पूनम पांडे की मृत्यु हो गई। वहीं काफी सारे लोगों को पूनम पांडे की अचानक डेथ फेक लग रही है क्योंकि दो दिन पहले ही उनका फोटो शूट हुआ था। वहीं उनके जानने वालों का भी कहना था कि शी इज एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन। कुछ का कहना है कि शायद से उनकी आईडी हैक हो गई है। वेल, अगर ये मजाक है तो बेहद ही भद्दा और घटिया किस्म का मजाक किसी ने किया है, बट सच कहूं तो सभी यही चाहते हैं कि सच में उनकी आईडी हैक हो गई हो ताकि उनकी मौत की खबर झूठी निकले। हालांकि उनके मैनेजर पारुल चावला की ओर से उनकी डेथ की कंफर्मेशन कर दी गई है जिससे ये साफ होता है कि पूनम पांडे इस दुनिया में नहीं रही। वहीं पूनम पांडे की फैमिली की ओर से अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया है। गौरतलब है कि पूनम पांडे के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से ये पोस्ट शेयर किया गया था जिसमें लिखा गया है कि आज की सुबह हम सभी के लिए बहुत ही मुश्किल थी और हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि पूनम पांडे को सर्वाइकल कैंसर था जिसके चलते उनका आज निधन हो गया। साथ ही साथ पोस्ट में ये भी लिखा गया है कि पूनम एक प्योर सोल थी, वो लोगों से बहुत प्यार करती थी, उनके निधन से हम सभी दुखी हैं। वहीं उनके ड्राइवर का भी स्टेटमेंट आया है कि मैडम कल तक एकदम ठीक ठाक थी, मस्त थी, शूटिंग में भी बिजी थी और उनकी फैशन डिजाइनर ने भी कहा है कि दो दिन पहले ही हमने शूट किया है, वो एकदम ठीक थी, मैंने आज उन्हें फोन किया बट फोन स्विच ऑफ आ रहा था। वहीं आपको बता दें कि पूनम पांडे एक्टिंग से ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी में फेमस रही है। 2011 वर्ल्ड कप में उन्होंने स्टेडियम में ऐलान कर दिया था कि अगर टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई तो वो न्यूड हो जाएंगी। दोस्तों इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि पूनम पांडे की डेथ की खबर फेक हो सकती है क्योंकि पूनम पांडे अक्सर विवादों में रहती हैं और विवादों को पैदा भी करती हैं। ऐसे में इस तरह के काफी सवाल सहन में उठना लाजमी है। वैसे आपकी इस पूरे मामले में क्या राय है और पूनम पांडे के लिए दो शब्द कमेंट जरूर करें।